फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग को कि बोबिन केस कैसे लगाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फिंगर का सिलाई मशीन है, छोटी मशीन है। छोटी मशीन के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बोबिन केस है, इसे आपको निकाल देना है। मैं आपको अभी लगा के दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बोबिन केस। धागा देख सकते हैं, धागा देखिए सीधा इधर का है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो इधर का सीधा रहेगा ना, उधर के इसको डाल देना है। इधर इसमें देखिए, इधर डाल चुके। फिर उसके बाद इधर के यहाँ पर निकालना है इसको। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर के पकड़ के इसको खींच के ऐसे कर देना है। बस यहाँ पर देख सकते हैं आपका निकल गया। एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। आपको धागा इधर का है देख सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं, इसमें आपको चुपचाप डाल देना है। डालने के बाद धागा को मेन धागा पकड़ लेना है, फिर इसमें लगा के ऐसे करके खींच देना है। बस अब कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको इसमें लगाने के लिए बता रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पकड़ के, इसको देखिए, इसको पकड़ के इधर ऐसे सकते हैं, इसको ऐसे पकड़ के, इसको तीर के ऐसे करके अंगूठा इसमें बजा के, इसको ऐसे करने के बाद ऐसे करके इसको कुछ नहीं ऐसे करके इसमें समा देना है। और उसके बाद नहीं समा, देखिए नहीं समा, ऐसा मेगा तो पुट से आवाज देगा, देखिए नहीं तो। देखिए ऐसा में जाएगा तो आपको ये पुट से आवाज देगा, ये इधर उधर नहीं होगा। यहाँ देखिए इस पर लॉक हो गया, अभी यहाँ पर से देखिए। फिर उसके बाद देखिए ये आपका ये सही तरीका से एकदम हो गया। उसके बाद आपको धागा लगा के सिलाई करना स्टार्ट कर देना है। कितने लोगों को कि ये भी नहीं जानकारी आता है धागा कैसे फंसा। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।